इसी सुरंग से राजा सबल सिंह गुजर सबलगढ़ फोर्ट में से इस किले में आया करते थे। शायद इसमें खुदाई की है सोने के चक्कर में। लगता है कि रास्ता पीछे से भागने के लिए बनाया गया होगा उस समय में। ये रास्ता सिर्फ इधर से नीचे की साइड जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और मैं आज आपको लेकर आ चुका हूँ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव मौजूद है। इसका नाम बझेड़ा गांव है। उसमें एक सबल सिंह गुर्जर का फोर्ट मौजूद है जिसमें उन्होंने 5 साल तक राज किया था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये बना हुआ है महाराजा सबल सिंह गुर्जर का किला, जो आज के समय में पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस किले पे राजा सबल सिंह गुर्जर ने 5 साल तक राज किया था। दोस्तों, इसका निर्माण की बात करें तो 14वीं शताब्दी में राजा सबल सिंह गुर्जर ने इसकी नींव रखी थी और उनके सेनापति ने 16वीं शताब्दी में इसको पूरा करवाया था। पहले तो आप पीछे की साइड देख पा रहे होंगे, 3 छतरी टाइप की बनी हुई है। राजा रानी यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। ये उनका एक मंदिर का स्थान था जो कि आज आप देख सकते हो। दोस्तों, उनके गुरुओं की समाधि यहाँ पे दफनाई गई थी जिससे उनकी छतरी बनी हुई है, देख सकते हो। और वहाँ बीच में कुटिया बनी हुई है, वो उस समय का एक मंदिर हुआ करता था जिसमें वो पूजा करने के लिए आया करते थे। तो अब चलते हैं किले के ऊपर और आपको विजिट कराते हैं। तो आइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, चलते हैं ऊपर किले के और ऊपर से विजिट करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये बना हुआ किला। अभी हम किले के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। ये जो किले के चारों ओर खाई बनी रहती है, ये उस समय की खाई बनी हुई है, देख सकते हो, जिसमें अभी पेड़ पौधे लग चुके हैं। उस समय में ये किला काफ़ी अद्भुत किला था, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा था। आज की डेट में ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो सामने की तरफ। किले के चारों ओर खाई बनी हुई है जिसमें उस समय में भयानक मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे कोई भी इस किले पर चढ़ने की कोशिश करे तो पहले उसे वो नाला पार करना पड़े, इसीलिए ये खाई बनाई जाती थी। तो चलते हैं इस किले के ऊपर और ऊपर से देखते हैं इस किले को और इसके इतिहास से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, बात करें 14वीं शताब्दी की, तब इस किले पर राजा सबल सिंह गुर्जर का राज था। इस किले पर राजा सबल सिंह गुर्जर ने 5 साल तक राज किया था। दोस्तों, सबलगढ़ फोर्ट तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो हमारे इस चैनल पे वीडियो डली हुई है सबलगढ़ फोर्ट की, वो आप जाकर देख सकते हो। उस पे राजा सबल सिंह गुर्जर का राज था। मगर दोस्तों, उस किले पे काफ़ी सारे आक्रमण हुए, काफ़ी सारे युद्ध हुए, मगर राजा सबल सिंह गुर्जर ने अपनी रानी को इस किले में शिफ्ट कर दिया था लाकर। दोस्तों, ये किला काफ़ी सुंदर था उस समय में। मगर दोस्तों, ये आपको जो खिड़की दिखाई दे रही है, इसमें से उनके खास सैनिक तैनात रहा करता था जिससे कि वो इस किले की पीछे से देखभाल कर सके। और उस बुर्ज का नाम है झंडा बुर्ज, जिस पर झंडा लगा रहता था। दोस्तों, जब रानी से राजा बोलकर गए थे कि मैं जा रहा हूँ अब सबलगढ़ किले में, वहाँ पे युद्ध चल रहा था, तो अपनी सेना को लेकर, इस किले की सेना को लेकर वो सबलगढ़ फोर्ट में पहुँचे। तो यहाँ पे राजा का झंडा था, वो उनका जो झंडा का ध्वज रहता है वो झुक गया था। तो रानी को लगा कि मेरे राजा हैं जो शहीद हो चुके हैं। और वो खिड़की है जिसमें से उस सैनिकों ने दूसरे किले के सैनिकों को मार गिराया था। तब से ही दोस्तों, इस खाई को आज इस दीवाल से भरी पड़ी हुई है। इसकी दीवालें हैं जो टूट चुकी हैं, देख सकते हो नीचे ही पड़ी हुई हैं कुछ दीवालें। ये किला आज हमको क्षतिग्रस्त में देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं इस किले के ऊपर और ऊपर से हम आपको इस किले को दिखाते हैं। तो बनी रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, ये देख सकते हो आप, इस किले के कुछ अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये दीवाल के अवशेष हैं, देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी भयानक भयानक दीवालें यहाँ पे टूटी पड़ी हुई हैं, कुछ वहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर। ये किला देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये गिरने वाला है। एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है ये किला।
दोस्तों धरती से करीब हम 200 फीट की ऊंचाई पे आ चुके हैं, देख सकते हो पीछे के नज़ारा आप। काफ़ी थकान महसूस हो रही है, तो चलते हैं ऊपर और ऊपर से हम आपको इस किले को विजिट कराते हैं। दोस्तों आपकी नज़रों को थोड़ा साइड में लेकर जाएं तो पूरी जगह पे आपको पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रही होंगी, जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा। दोस्तों इस किले को आप देख सकते हो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये राजा का बेडरूम है जो अंदर से हम दिखाएंगे अभी आपको, जिसका गेट शायद टूट चुका है, जिसके अंदर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, मगर आज के समय में ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसमें से खजाना काफ़ी लोग लूट कर भी ले चुके हैं। दोस्तों चलते हैं, आइएगा इधर की साइड चलते हैं, संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा किला जर्जर हालत में आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये है झंडा बुर्ज जिस पे इस किले का तिरंगा फहराया जाता था। तो आइएगा दोस्तों चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये किला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, पहले तो इस किले का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा खंडर अवस्था में ये किला पड़ा हुआ है। सामने की तरफ देख सकते हो एक बुर्ज टाइप का बना हुआ है, अभी इसको नज़दीक से दिखाएंगे हम आपको। तो आइए चलते इधर से। देख सकते हो किले के कितने सारे अवशेष यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो आज के समय में पूरे खंडर अवस्था में फैल चुके हैं। यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे कांटे इस किले में, और इस किले में देखने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, पूरा खंडर अवस्था में ये किला क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों आइएगा इधर चलते हैं, इधर राजा के अस्तबल बने हुए हैं, राजा वहाँ पे अपने घोड़े बांधा करते थे। दोस्तों ये देख सकते हो ये गलियारा टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें उस समय में सैनिक विश्राम किया करते थे, और यहाँ पे जो मेहराब टाइप के बने हुए हैं जो आज के समय में टूट चुके हैं, इनमें से वो किले को देख रेख किया करते थे, पहरा दिया करते थे, क्योंकि दोस्तों पीछे की साइड से ज़्यादा चांस रहते हैं हमले के, इसलिए सैनिक यहाँ पे तैनात रहा करते थे, और उनके कच्छ भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आज के समय में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये देख सकते हो ये दीवार टाइप की दिखाई दे रही है हमको, जिसमें शायद सैनिकों के हमाम खाने रहे होंगे, ये देख सकते हो। तो चलते हैं इसके अंदर, देखने को तो ऐसा लग रहा है कि शायद सैनिकों के इसमें हमाम खाने रहे होंगे। दोस्तों काफी कांटे हैं, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। देख सकते हो ये कच्छ टाइप का बना हुआ है, इसमें सैनिकों के हमाम खाने मौजूद हैं आज भी, जिसको हम आज देख पा रहे हैं। आइएगा अंदर। ये देख सकते हो
इसमें सैनिक हमाम किया करते थे मौजूद है। ये देख सकते हो, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सामने वेंटिलेशन के लिए छोटी सी खिड़की बनाई गई है जिससे कि हवा अंदर आ सके और इसकी गैस पास हो सके, देख सकते हो आप। और इसमें जो भी सैनिक यहाँ पे आते थे तो सामान हुआ करता था वो इस गलियारे में रख दिया करते थे। ये देख सकते हो, ये उस समय के हमाम खाने हैं। दोस्तों आइएगा, एक हवाम खाना इधर की साइड ही बना हुआ है। ये बुर्ज आप देख सकते हो दोस्तों, इसको अंदर से दिखाते हैं। देखने में तो काफी खतरनाक बुर्ज लग रहा है, इसमें काफी सारे मेहराब बनाए गए हैं। मेहराब को देखकर हमको एक ऐसा प्रतीत होता है कि इस किले में, इस बुर्ज में शायद 3 से 4 सैनिक तैनात रहा करते होंगे। ये देख सकते हो, चारों तरफ से ये बुर्ज मेहराबों से घिरा हुआ है। और ये देख सकते हो दोस्तों, आपको ये नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें से उस समय में ये कोई सैनिक दूसरे किले का इस किले पर चढ़ाई करता था तो इसमें से गर्म पानी उनके फेंक कर उनका मुँह जलाया जाता था और सामने तरफ से तीर कमान छोड़े जाते थे। तो ये आप बुर्ज देख पा रहे होंगे दोस्तों। अभी अपन ने उस साइड की तरफ हमाम खाना देखा था, ऐसा ही एक हमाम खाना इधर देखने को मिल रहा है जिसको आइए देख सकते हैं। ये तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा हमाम खाना है मगर ये आज के समय में टूट चुका है। ये देख सकते हो यहाँ से, ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आइएगा दोस्तों चलते हैं बाहर की साइड। दोस्तों यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक कुआं हमको देखने को मिला है जो देखने में तो काफ़ी भयानक लग रहा है मगर ये आज के समय में पूरा सूख चुका है। ये देख सकते हो, शायद इस कुएं में से उस समय में इस किले में पीने के लिए पानी लिया जाता होगा। तो चलते आगे की साइड और आगे भी हम आपको चलते चलते इस किले को विजिट कराते जाते हैं। तो आज के समय में जिसकी जिस क्षतिग्रस्ती हालत देख पा रहे हो, जिसकी सुंदरता काफ़ी भयानक हुआ करती थी उस समय में, तो ये देख सकते हो ये कुछ गेट के मेहराब यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देख सकते हो काफ़ी विशाल विशाल बुर्ज यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आइएगा चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों इस बुर्ज को देखकर हमें एक ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में शायद राजा की बाराद्वारी हुआ करती होगी जिसको आज के समय में क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी। ये देख सकते हो सामने से, देखो आप इसकी जो नक्काशी देखने को बनती है, ये देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है ये, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पिलर पड़े हुए हैं वो सिर्फ बाराद्वारी में ऐसे पिलर लगे रहते थे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये राजा की बाराद्वारी है जिसमें राजा ताज़ी ठंडी हवा खाने के लिए इस बाराद्वारी में बैठने के लिए आया करते थे। तो चलते हैं इसके ऊपर और ऊपर भी कुछ बना हुआ है वो हिस्सा भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो, हमें यहाँ पे राजा सबल सिंह गुर्जर का महल देखने को मिल रहा है जो काफ़ी विशाल महल है।
ये देख सकते हो, ये पीछे से देख रहे हैं हम इस महल को, आगे से क्योंकि इसकी जो क्षतिग्रस्त हालत है वो काफ़ी सारी मिटट चुकी है, इसलिए इस महल को आज हमें पीछे से देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं इस महल के अंदर और अंदर से इस महल को विजिट करते हैं। तो दोस्तों आइएगा, चलते हैं इस महल के अंदर। इस महल में से चमगादड़ों की काफ़ी आवाज़ आ रही है। आइएगा दोस्तों, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चलते हैं इस महल में। इसकी जो अंदर से कंडीशन है वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। काफी सारा वीरान पड़ा ये महल आज हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये शायद ऐसा लग रहा है कि शायद ही राजा रानी के कक्ष हुआ होंगे, होते होंगे उस समय में। ये देख सकते हो ये बुर्ज दोस्तों, ये देख सकते हो आप ये बुर्ज, इसमें शायद किसी ने, ये देख सकते हो किसी ने शायद इसमें खुदाई की है सोने के चक्कर में। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे किसी ने शायद खुदाई की है सोने के चक्कर में। इसकी छत देख सकते हो आप, जो कि आज की डेट में पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो आइएगा चलते हैं इसके अंदर। तो आइएगा दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। पूरा ये महल आज के समय में क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे आज हम देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये रास्ता देख सकते हो, ये रास्ता ऊपर की साइड जा रहा है। लगता है कि रास्ता पीछे से भागने के लिए बनाया गया होगा उस समय में। ये रास्ता सिर्फ इधर से नीचे की साइड जा रहा है, तो ये शायद उस समय में क्योंकि इस किले पे युद्ध होते रहते थे, तो शायद राजा ने ये रास्ता पीछे से इसलिए बनवाया होगा क्योंकि यहाँ से जब भी राजा को ऐसा लगे कि इस किले पे अब युद्ध होने वाला है, तो राजा इस रास्ते से पीछे से भाग जाया करते थे। तो दोस्तों चलते हैं आगे की साइड, पूरे महल को आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। दोस्तों ये देख सकते हो, इसके पीछे का हिस्सा दिखा दें हम आपको। ये किले के पीछे वाला हिस्सा है जिसको आज हम देख पा रहे हैं। तो ये रास्ता देखने को मिला है, इस रास्ते से चलते हैं इस महल के अंदर। दोस्तों ये देख सकते हो आप, इस रास्ते को देखकर हमको एक ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ये महल 2 से 3 मंजिल नीचे बना हुआ होगा, ये देख सकते हो। तो आइएगा चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये एक साइड ये सुरंग टाइप की देखने को मिल रही है, ये देख सकते हो इधर की साइड, ये रास्ता घूमकर इधर की साइड जा रहा है। दोस्तों अब ले चलते हैं हम आपको इनके इस महल, ये महल करीब 3 मंजिल नीचे बना हुआ है, जिसके तय खाने दिखाने के लिए ले चलते हैं हम आपको। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इस महल के नीचे वाले फ्लोर में, जिसमें तय खाने बने हुए हैं राजा के, जिसमें शायद राजा अपना बेशकीमती खजाना रखा करते होंगे। ये आप देख सकते हो, ये शायद इस महल का
मेन प्रवेश द्वार हुआ करता होगा। कितनी गंद है चमगादड़ों की इसमें। दोस्तों देखने में तो ऐसा लग रहा है ये महल, क्योंकि सर्दियों के टाइम में राजा ऊपर रहा करते होंगे और गर्मियों के टाइम में इस महल के नीचे निवास किया करते होंगे। दोस्तों पहले तो आप इस गेट का जो मेन द्वार है वो देख सकते हो, मेन द्वार जिस पे जो काफ़ी अच्छी कार्विंग की गई है, ये देख सकते हो आप। ये कार्विंग सिर्फ चूना से की गई है जो आज हमको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो, इसकी छत भी देख सकते हो। तो आइएगा पहले तो इधर की साइड चलते हैं। दोस्तों इधर की साइड चलते हैं। ये शायद उस समय का प्रवेश द्वार है जिससे इस किले का एंट्री द्वार बोला जाता होगा। ये देख सकते हो, ये कोने में दो बीम टाइप के लगे हुए हैं। इसमें शायद उस समय में लकड़ी का गेट मौजूद हुआ करता होगा जो आज के समय में टूट गया है। ये किला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देख सकते हो, ये दीवार कैसे टिकी हुई है। अब चलते इन कच्छों के अंदर जिसमें राजा गर्मियों के टाइम में निवास किया करते थे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, मैं आपको ले चलता हूँ इस महल के अंदर, जिसमें जाने से तो डर लग रहा है मगर आपको ले चलते हैं। ये देख सकते हो कितनी सारी गंद चमगादड़ों की आज इसमें जमी हुई है, जिससे ये महल आज हमको खंडर अवस्था में देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों कितनी सारी चमगादड़ें, लाखों करोड़ों चमगादड़ें इसमें मौजूद हैं। इधर की साइड देख सकते हो कितनी सारी चमगादड़ें चिपकी हुई हैं। तो ये देख सकते हो इधर की साइड, तो दोस्तों ये देख सकते हो आप इस द्वार को देख सकते हो। ये शायद ही गेट उस समय में काफ़ी सुंदर हुआ करता होगा जिसकी जो कार्विंग हमको देखने को मिल रही है। ये देख सकते हो इधर की साइड कितनी सारी चमगादड़ें इसमें चिपकी हुई हैं। इधर की साइड देख सकते हो कि लास्ट कमरा है जो हमें आज देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कितनी सारी चमगादड़ें इसमें। दोस्तों चलते हैं, आइए बाहर की साइड। दोस्तों राजा सवल सिंह गुर्जर इस किले में आते थे, वो आते थे सुरंग की सहायता से। दोस्तों वो सुरंग राजा सवल सिंह गुर्जर ने अपने महल में ही बनवाई गई थी जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा गंद चमगादड़ों का जम चुका है। ये सामने की तरफ आप सुरंग देख पा रहे हो जिसमें काफ़ी सारी चमगादड़ें आज देखने को मिल रही हैं। इसी सुरंग से राजा सवल सिंह गुर्जर सबलगढ़ फोर्ट में से इस किले में आया करते थे। ये देख सकते हो दोस्तों, जैसा जितना ही टाइम दोस्तों घोड़े हाथी से जाने में लगता था उतना ही समय इस सुरंग से सबलगढ़ फोर्ट में जाने के लिए लगता था। ये देख सकते हो दोस्तों, ये काफ़ी लंबी सुरंग गई हुई है। ये सिर्फ जो जी आज सुरंग देखने को मिल रही है, इसी सुरंग से राजा सवल सिंह गुर्जर अपने किले में जाया करते थे और उस किले से इस किले में वापस आया करते थे। दोस्तों ये देख सकते हो ये सुरंग, ये आज से करीब 14वीं शताब्दी की सुरंग बनी हुई है जब राजा ने इस किले की नींव रखी थी, जबकि ये सुरंग आज हमको ये वीरान हालत में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।